गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं और 45 क्वेश्चन में लगभग हमने इन सारी चीज़ों को कवरअप कर लिया है। बेसिक के क्वेश्चंस जहां पर प्रॉफिट लॉस से संबंधित, यहां पर 5 रुपये में 6, 6 रुपये में 5, 15 रुपये की क्रय मूल्य पर बेचने पर 10 रुपये के, तो इस प्रकार से यहाँ पे घोड़े वाले सवाल जहाँ पे दोनों की सेलिंग प्राइस समान है, और अंकित मूल्य और बट्टे वाले क्वेश्चन भी, लगभग यही चीज़ें जो होती है ये प्रॉफिट लॉस में होती है। इसके बाद अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्या होंगे, इन सब के मिक्सअप होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6ठे नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो आप, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पर आपको वही 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 क्वेश्चन को आप अपने टाइम के साथ, वही आपको टाइम कितना लेना है, जनरली 5 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लीजिए आप। ठीक है, और जो अगर रेलवे और SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे और अपने जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो वो 7 मिनट ले सकते हैं, जनरली इतना समय उनको वहाँ पर मिलता है। परंतु जो बैंक और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक या SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से ज़्यादा का समय न ले, इतना ही टाइम वहाँ पे आपको मिलता है। क्योंकि हमारे टेस्ट में अभी टाइम इंक्लूड नहीं है, इसलिए आप क्या हो, टाइम आपके हिसाब से ले सकते हो, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए आप टाइम का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, उसके बाद उनको क्वेश्चन को हल करिए। आपके जो ऑप्टेन मार्क्स हैं वो आप बिल्कुल आपके कमेंट बॉक्स में लिखिए। परंतु एक बात बताइए, अगर बाय द वे आपको इन क्वेश्चनों के बारे में अगर इतना ज़्यादा अभी आपके दिक्कत आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, इन क्वेश्चनों को आपको आते हैं, जो मैं करवाता हूँ वो आपको आ तो जाते हैं, पर जब आप स्पीड की बात आती है तो आप नहीं, तो कोई बात नहीं, आप इस पूरे लेक्चर को देखिए, 10 क्वेश्चन को आराम से देखिए, सोल्यूशन को देखिए, और उसके बाद 10 क्वेश्चन को हो जाए, उसके बाद आप जाके फिर अपना टेस्ट लगाइए। अगर 10 में से 10 नंबर आए, 8 नंबर आए, जो भी नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बिना किसी समय को गवाए हुए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 दिख रहा है आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। एक काइनेटिक होंडा बाइक का अंकित मूल्य 33,600 रुपये है। ठीक है, फुटकर विक्रेता ने दिवाली के अवसर पर 16% की छूट दे दी। ठीक, तो ग्राहक को बाइक की कितनी कीमत चुकाना पड़ेगी? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ को 16% के डिस्काउंट्स के साथ 84 रुपये में बेच दी, एक हुआ। ठीक, अब यहाँ पे उसका मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 33,600, तो ये कितना होगा, यानी 100 रुपये की चीज 84 में हो गई, तो 33,600 कितने में, 84। ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखना है। तो अब आप यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम, इसका मतलब हुआ 33,600 किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो आपको 84 कितने के बराबर है। साहब, ये सवाल करते ही आपके मन में आ जाना चाहिए कि 336 में 84 का गुणा कितना होता है, बस यही इसका सोल्यूशन है। देखिए, इस प्रकार के सोल्यूशन को 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। अब 84 का पहाड़ा तो आप बोटले से रहे, पर यहाँ पे 84 को क्या हो सकता है, 84 का पहाड़ा आप काट सकते हैं, 14 का पहाड़े में आता है, 21 के पहाड़े में भी आता है, 21 के पहाड़े में भी आता है, तो आप 21 का पहाड़ा बोल सकते हैं, 21 का पहाड़ा, तो 84 को लिख सकता हूँ मैं 21 × 4। ठीक, अब 21 का पहाड़ा पहले बोल लो क्या हो रहा है, 21 छंग कितना होता है, 21 छंग 126, 21 छंग 100, देखिए ये 21, ये गुणा 6, ये 6 × 6 = 12, 126। साहब, आपको 30 तक पहाड़े याद होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी। 21 छंग 126 का 6 हासिल कितना हो गया, 12, 21 × 63, 63 × 12 कितना होता है, 75, 75 × 5 हासिल कितना हो गया, 7, 21 × 63, 63 × 7 69, गुणा 4 का गुणा कर लिए, 6 × 4 = 24 है ना, 21 × 63, 63 × 7 = 70, सॉरी। अब उसके बाद 6 × 24 = 4 हासिल 2, 5 × 20, 20 × 2 22, 7 × 28, तो 28,224 रुपये आपके होना चाहिए। कहाँ दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन आपका उत्तर है 28,224। अब ये कैलकुलेशन फास्ट है, यानी ये पूरा क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट लॉस का है तो मैं कह रहा हूँ गलत, ये पूरा क्वेश्चन है 336 में 84 का गुणा है। अब ये कितना जल्दी आप करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप 84 का पहाड़ा नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर 84 को 2 टुकड़ों में करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 46 खत्म हुआ। अब आते हैं हम 47 की तरफ। 47 आपके बोर्ड पे दिख रहा है,
दिख रहा है। अब आते हैं हम 47 जो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट आते हैं, यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं उत्तरोत्तर बट्टा, बट्टा या छूट। जैसे कि क्या होता है, एक दुकानदार क्या करता है, एक बार 20% की छूट देता है, उसके जस्ट बाद फिर 10% की छूट दे देता है, ठीक है, दो छूट एक साथ दे देता है, एक बार 20% की छूट देता है, एक बार 10% की छूट देता है, तो 20% और 10% की दो छूट के साथ वो काम करता है। अब आप बताइए 20% और 10% की दो छूट के साथ काम करता है तो इसका मतलब आपको लग रहा है 30% की छूट दे रहा है, नहीं साहब, वो ऐसे छूट नहीं देता है। वो जनरली क्या होता है, 100 रुपये की चीज़ पे पहले 20% की छूट देता है तो चीज़ कितने में पड़ जाएगी आपकी, 80 रुपये। इस 80 पे भी 10% की छूट देता है वो, तो 80 का 10% कितना होता है, 8, यानी इसमें से 8 और घटा लिया तो चीज़ कितने में पड़ गई, 72। आपको दिख कितने रही है कि एक बार 20% की छूट देता है, एक बार 10% की छूट देता है, कितने रुपये में छूट हो गई, 30% की छूट हो गई। 30% की छूट का मतलब होता है ये 70 में आपको चीज़ पड़ गई। परंतु ऐसा करने पर आपको अगर ये उत्तरोत्तर बट्टा बोलता है तो पहले 20% की छूट देता है, उसके बाद फिर 8-10% की छूट देता है, तो उसमें जो होता है वो कितने परसेंट की छूट हुई, 28% की छूटी हुई, क्योंकि 100 की चीज़ 72 में मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट बट्टा निकालने के लिए जनरली जो सब मैंने आपको बेसिक बताया, बेसिक क्या बताया, 20% की छूट पहले दी, यानी 100 रुपये पर 20% की छूट दी तो आपको चीज़ कितने में पड़ गई, 80 रुपये में। 80% का 10% निकाला तो कितने में होगी, 8-72 में होगी। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं हम 80 और 10 को लिख सकते हैं 90, तो यहाँ कितना हो गया, 9 आटी कितना हो गया, 72 हो गया, यानी 28% की आपको छूट यहाँ पे मिल रही, यानी 100 की चीज़ आपको कितने मिल जाएगी, 72 मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं सवालों को। देखिए और सवाल मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति को शुरुआत में 40% की छूट दी गई, बाद में 10% की छूट दी गई, तो बताओ टोटल छूट कितनी हुई, या फिर वस्तु कितने में पड़ी, दोनों ही कंडीशन में। तो देखिए 40% की छूट मतलब 60 में मिल गई, 10% की छूट मतलब 90 में मिल गई, 9 छंग कितना हो गया, 54, यानी वस्तु जो थी 100 रुपये की चीज़ 54 में मिल गई, यानी 46 रुपये का क्या हो गया, 46% क्या हो गया, उसको डिस्काउंट हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट उत्तरोत्तर बट्टा, ठीक है। तो आप यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन से, 47 के। दो उत्तरोत्तर बट्टा 20% और 15% के मूल्य पर एक बट्टा क्या होगा, तो देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 20% का बट्टा दिया और 15% का बट्टा दिया। 20% का बट्टा दिया तो कितने में चीज़ हो गई, 80 में हो गई, ठीक। अब 80 का भी 15% होता, 15 आठे कितना होता है, 120, यानी 12 रुपये की चीज़ हो गई, यानी इसमें से 12 और घटा लिया तो कितने की चीज़ हो गई आपकी। तो पहले आपने 20% का बट्टा दिया था, बाद में 80 का 15% निकाला था, 12 हो गया, तो टोटल कितना बट्टा हो गया, 32%। तो आपका उत्तर कितना होगा, 32%, यानी तीसरा उत्तर आपका होगा। इसी को इस तरह से कहते हैं, 20 का कितना होगा, 80%, 15 का कितना होगा, 85%, ठीक, बट्टे कितना हो गया, 100। ये इस प्रकार से कर सकते हो। तब आप करेंगे तो 85 और मैं 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, चलिए 8 और 64 और 68, ये हो गया कितना, 68%। 68% का मतलब होता है 100 रुपये की चीज़ 68 में मिल गई, यानी कितने की छूट हो गई, 32% की छूट हो गई। तो इस प्रकार से भी सवालों को हम कर सकते हैं। तो 47 वाला आपको समझ में आया, चलिए कहीं पर भी कोई दिक्कत हो फिर बताइए। अब आते हैं हम 48 वाले क्वेश्चन में। 48 वाला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर से क्वेश्चन हैं। 10% और 20% की क्रमवार कटौती किस प्रकार की कटौती होगी, 10% का मतलब क्या होता है, 90, 20% का मतलब कितना होता है, 80, 9 आटी कितना हो गया, 72, 72 हो गया मतलब होता है चीज़ में कितने परसेंट की छूट होगी, 28% की छूट। अगर वो बोले कि विक्रय मूल्य कितने में मिलेगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 72%, 9 आटी 72 मतलब कितना होता है, बटे 100, ये 0 से 0 कटा, 9 आटी 72 मतलब 100 रुपये की चीज़ 72 में हो गई, 100 रुपये की चीज़ 72 में हो गई, इसका मतलब होता है 28% की क्या हो गई, छूट हो गई, ठीक है। चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 49। सुंदर सुंदर क्वेश्चन है सारे, एक ही बार में आप कर सकते हैं 49। 49 क्वेश्चंस क्या है, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों की बात कीजिए। 20% का मतलब कितना होता है, 80, 10% का कितना होता है, 90, 9 आटी कितना हो गया, 72, 72 मतलब वही 28% की आपको
छूटे। वैसा वैसे ही सवाल क्वेश्चन नंबर 50 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 वाला क्वेश्चन आप देखिए आपके बोर्ड पे। 50 वाले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो 50 वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, 10,000 रुपये अंकित मूल्य के किसी उत्पाद पर क्रमशः दो कंपनियां 10%, 10% और 30%, यानी एक बार देती है 10%, एक बार देती है 10% और एक बार देती है 30%, ठीक, ये छूट देती है। उसके बाद एक और देती है 40%, एक 5% और एक 5%। इसका मतलब होता है 30, 10, 40, 50, यानी 50 आपको लग रहा है 50% की छूट यहाँ भी दी जा रही है, आपको लगता है 50% की छूट यहाँ भी दे रही है, पर ध्यान रखिएगा छूट में डिफरेंस होता है। कैसे होता है देखो ध्यान सुनिए, 10,000 रुपये की छूट यहाँ दी, 10% की यहाँ दी, फिर 10 की यहाँ दी, फिर 10 की यहाँ दी, इसको डायरेक्ट में अगर निकालूँ तो ऐसा होता है 90 गुणा 70 ऐसा छूट होती है, ठीक है। अब इसको करिए देखो, 99 81 81 7 81 गुणा 7 मतलब कितना होता है, 7 7 8 56 कितना हो रहा है, 56.7% की छूट हो रही है, छप्पन दशमलव सात परसेंट का मतलब हो रहा है आपका पास छूट जो हो रही है वो हो रही है 43.3, कितनी हो रही है 43.3%, यानी इस पे जो छूट हो रही है टोटल वो कितनी हो रही है 43.3%, ये डिस्काउंट हुआ आपका, ठीक। अब इस पे कितना होगा 40%, तो 40% को क्या लिख सकते हैं अपन, 60 गुणित 5 को कितना लिख सकते हैं 95, इस 5 को भी कितना लिख सकते हैं 95, बटे कितना होगा 100 गुणा 100, वही सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे आप काटेंगे तो ध्यान से सुनिए बिल्कुल, 95 में 95 का गुणा कितना होता है ये बताइए पहली बात, 90 25, तो ये होता है 60 गुणा 90 25। अब 90 25 में फिर 6 का गुणा करिए भाई, 6 का गुणा करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे बचेगा तो 6 5 30, 6 2 12 और 3 15 और 9 6 54, यानी कितना हो रहा है 54.150, कितना हो रहा है 54.150। तो छूट कितनी हो रही है, इसको मैं लिखूँ 85 और यहाँ पे लिखूँ मैं 5 और यहाँ लिखूँ मैं 4, कितना हो रही है 45.85 की छूट हो रही है, यहाँ पे कितनी हो रही है 43.30 की छूट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई चीज़ इस दुकान से ख़रीदता हूँ तो मुझे 100 रुपये की चीज़ में 43.30 की छूट मिलेगी, और इस दुकान से ख़रीदता हूँ मैं तो मुझे 100 रुपये की चीज़ में 45.85 की छूट मिलेगी, समझ पा रहे हो मेरी बात को। इसका मतलब होता है छूट कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, इस पे मिलेगी, उस पे कम, कितनी मिलेगी तो इसको देखते हैं अपन, कितनी ज़्यादा मिलेगी 43.30 मतलब 5 5 2 यानी 2.55 की छूट मुझे मिलेगी, कितनी मिलेगी 2.55 की छूट मुझे मिलेगी। इसका मतलब होता है 2.55 की छूट मुझे मिलेगी, यानी 10,000 रुपये पर अगर मैं कहूँ तो मुझे कितनी छूट मिलेगी, 10,000 पे बात करूँ मैं तो 2.55, तो इसका मतलब होता है 10,000 का 2.55% कितना होता है, परसेंटेज का मतलब 1024 1234 मतलब 255 रुपये मुझे ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब होता है अगर मैं इस दुकान से ख़रीदता हूँ तो मुझे 255 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे, अगर इससे ख़रीदता हूँ तो मुझे 255 रुपये की बचत होगी। क्या सवाल समझ पाए, बहुत ही सुंदर सवाल है, 12 जाके आपको फिर रिटेक करके देखिए, नहीं समझ में आए तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए अब ये इस प्रकार के सवाल आते हैं ना, ये सवाल आपको कहीं ना कहीं होते तो उसी के रूप में आते हैं, पर सवाल की थोड़ी लंबाई बढ़ा दी उसने, ठीक है भाई। इस दुकान पर जाएंगे तो आपको 10% 10% 30% की छूट मिलेगी, और इस दुकान पर जाएंगे 40 5 5 की छूट, पर आपको दिख रहा है ऐसा रहा है कि दोनों में 50% की छूट मिल रही है, पर अगर सही ढंग से देखें तो इसमें और इसमें 2.55 का अंतर है, यानी 10,000 रुपये चीज़ पर खरीदने पर इस दुकान पर मुझे 255 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे और इस पर 255 रुपये की मेरी बचत हो जाएगी, ठीक है। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 51।
51 वाले नंबर की क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और 51वां नंबर आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 51 क्या, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों का अकेला मूल्य क्या होगा। देखो 10% का मतलब क्या होता है 90, 30% का मतलब कितना होता है 70, 9 साथ ही कितना होता है 63, 63 का मतलब होता है 37% की छूट, यानी 100 रुपये की चीज़ 63 में मिल गई तो 37% की क्या हो गई मेरे को छूट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर देख ला। एक वस्तु पर छपा मूल्य 90 रुपये, ए 900 रुपये, कितना रुपये है छपा मूल्य, छपा मूल्य को बोलते हैं हम अंकित मूल्य, कितना है 900। ठीक है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 9 रुपये में बेच देता है। ठीक है, यानी अब क्या करता है एक खुदरा व्यापारी इसको 40% की छूट पर, अब 40% की छूट का मतलब क्या होता है, 40% की छूट का मतलब क्या होता है, 40% की छूट का मतलब ये हो रहा है कि 940% का मतलब होता है 2/5। ध्यान से सुन लेना, इसको और बोल देते हैं 900 का 40% कितना होता है ये बताओ आप, तो 360 अगर अपन काप करते हैं तो 900 में से 360 गए तो कितना बचा, 900 में से 360 गए तो कितना बचा, कितना 440 नहीं 540, कितना हो रहा है 540। ठीक है, 540 रुपये में चीज़ बेच देता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया ये सेलिंग प्राइस हो। फिर से देखो ये क्या हो रहा है माइनस के 40% का डिस्काउंट। ठीक है, यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये, एक खुदरा व्यापारी, खुदरा व्यापारी का मतलब होता है रिटेल व्यापारी, यानी हम पिपलिया गए, पिपलिया में एक दुकान बड़ी सी दुकान है, बड़ी सी दुकान जैसे हमारे मुंदड़ी में भी एक दुकान है, मुंदड़ी में एक दुकान है तो हम गए पिपलिया में, पिपलिया में एक बड़ी सी दुकान पर गए, वहाँ से हमने एक चीज़ देखी 900 रुपये मिली, 900 रुपये लिख रखा है उसको, तो 900 रुपये लिख रखा है पर उस दुकानदार ने कहा 40% की छूट है, हम 40% की छूट मतलब 540 रुपये में लेके आ गए ना मुंदड़ी गाँव में, फिर 900 रुपये में बेच दी। ये काम करते हैं कि MRP लिख रखी रहे 900 रुपये, इसमें अपने को भी लगता है हाँ यार पैसा ज़्यादा नहीं ले रहा है, जितना लिख रखा है उतना ले रखा है, बेवकूफ़ बना रहे, तो ये कितना हो गया 900 रुपये। ये काम किया उन्होंने, क्या किया 900 रुपये की चीज़ पर 40% की छूट पर 540 रुपये में पिपलिया से खरीद ली ना मुंदड़ी में आकर 900 रुपये में फिर बेच दी, उस आदमी को लाभ कितना हुआ देखो। अब उसके बाद क्या हुआ, तो खुदरा व्यापारी का लाभ क्या है, खुदरा व्यापारी मतलब होता है रिटेल, खुदरा मतलब होता है एक तो थोक व्यापारी होता है स्टॉक ट्रेडर होता है, और एक और होता है रिटेल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर का मतलब होता है जो बड़ी दुकानों से छोटी दुकानों पर जो खरीदता है वो होता है रिटेल ट्रेडर, तो गाँव वाले सब क्या होते हैं रिटेल ट्रेडर होते हैं। तो ये 540, अब 540 की चीज़ पर 900 का क्या हो गया फायदा हो गया, इसका मतलब होता 360 का मेरे को फायदा हो गया किस पर 540 पे, तो 100 पर कितना यही चाहता हूँ मैं, 0 से 0 कटा। ठीक है, अब यहाँ से काट देते हैं 9 चौक 36 और 9 छंग 54, 4/6, 4/6 मतलब 2/3, 2/3 होता है 66 सही 2/3%, तो आपका उत्तर होगा 66 सही 2/3%। अच्छा, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, और तरीके से क्या कर सकते हैं कि उसने क्या हुआ अंकित मूल्य पर 40% की, 40% का मतलब होता 2/5, यानी 5 की चीज़ को 2 का डिस्काउंट दे के चीज़ कितने में बेच दी होगी, खरीद ली होगी 3 में, यानी यहाँ से अंकित मूल्य में उसका सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस जो होता है ये कॉस्ट प्राइस बन गया किसके लिए रिटेल ट्रेडर के लिए, रिटेल ट्रेडर ने फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस मतलब उसको बेच दिया गाँव में जाकर 900 रुपये, इसका मतलब होता है 5 की चीज़ पर 40% की छूट पर उसने 3 में खरीद ली और वही 3 रुपये की चीज फिर 5 रुपये में बेच दी, तो आपके पास डायरेक्ट यही सीधा दे रहा है 3 की चीज को 5 में बेच दिया, इसका मतलब होता है 2 का मुनाफा हुआ 3/3 2, तो 2/3 2/3 मतलब 66 से 2/3 डायरेक्ट सवाल, आंकड़े की भी जरूरत नहीं है। अगर सवाल ऐसा आ जाता है, अब ये तो आंकड़ा ऐसा दे दिया बहुत टेढ़ा मेढ़ा आंकड़ा दे दिया, इस सवाल को अगर मैं बोल दूं एक व्यक्ति 1,32,959 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, मतलब उसके अंकित मूल्य है, उस पर 40% की छूट देकर लेकर वह खरीद लेता है और गांव में जाकर फिर उसको 1,32,959 रुपये में बेच देता है, बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट कितना, साहब इन आंकड़ों से करोगे ना तो आपकी शाम हो जाएगी, डायरेक्ट खत्म, 40% का मतलब होता है 5 रुपये की चीज़ को 3 में खरीद लिया और 3 रुपये की चीज़ को फिर 5 में बेच दिया, मतलब ये की बोल रहा है ये कही ये चीज़ बराबर हो जाएगी, इसका मतलब होता है 2 का प्रॉफिट हुआ 3 पे, तो 100 पे कितना, तो 2/3 मतलब होता है 66 से 2/3%। आया समझ में, इसका मतलब होता है ये 900 आंकड़ों को अगर हम न भी पढ़ें तो भी सवाल को किया जा सकता है। ओके,
चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 53। अब आपकी स्क्रीन पर 53 वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बड़ी आसान आसान से क्वेश्चन है, सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है। चलिए, तर्पण नंबर का सवाल है, तो तर्पण नंबर के जो सवाल है उसके बारे में आप अब देखिए। तर्पण वाला दिख रहा है आपको, है ना। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने दो बार बट्टा कटवा कर घड़ी 550 रुपये में 550 रुपये 80 पैसे में खरीदी। यदि पहली बार का बट्टा 10% हो तो दूसरी बार का कितना था। देखिए, आप तो सवाल को बिल्कुल सिद्ध रूप में करिए। भाई घड़ी कितने की थी? 720 रुपये की। उसने पहली बार जो है कितने रुपये के, दो बार बट्टा कटवा कर 550 रुपये और 80 पैसे। पहली बार का बट्टा कितना? 10%। पहली बार का बट्टा 10% का मतलब होता चीज 90% में खरीद ली उसने, ठीक, खरीद ली। उसके बाद न जाने कितने का बट्टा लगाया उसने। बट्टा का मतलब होता 100 माइनस कुछ होगा बटे, और ऐसे करने पर चीज जो पड़ गई वो 550 रुपये 80 पैसे में पड़ गई चीज। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसको काटो, पट 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 पट, ये दशमलव हटाया, ये जीरो लगाई, दो जीरो से ये दो जीरो गई, एक जीरो से ये जीरो गई, ठीक है। कुछ नहीं, अब काट लीजिए और काट लीजिए। 9 से काटते हैं, 9 6 54, एक बच रहा है, 9 1 9, 9 2 18, 0। उसके बाद यहाँ से करते हैं, 9 8 72, 9 6 54, कितना बच रहा है? 7, 9 8 72, 0। फिर 8 बच रहा है, 8 8 64, 8 5 40, यानी x बराबर कितना हो गया? 85। यानी x बराबर 85, मतलब यहाँ पर 85 कब रखा होगा? जब 100 माइनस 15 होगा। कितना होगा 85 कब रखा होगा? जब यहाँ पर कितना होगा? 100 माइनस 15, इसका मतलब होता है डिस्काउंट कितना था? 15% रहा होगा। ये सवाल आपका उत्तर कितना रहा होगा? 15% सवाल, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से चीज़ें होती है। भाई आपने कोई चीज़ 720 रुपये में ली, उस पर पहला डिस्काउंट दिया 10%, इसका मतलब होता है वो 90% में चीज़ पड़ गई आपकी। ये पूरा 100% हो गया। अब इसमें फिर डिस्काउंट दिया, न जाने कितना दिया, परंतु चीज़ कितने में आ गई? 550 रुपये 80 पैसे में आ गई। बस इसको सॉल्व करिए, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आया समझ में? चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 54। 54 वाला क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, बड़ा ही सुशील सवाल है, आनंद आएगा आपको। 54। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है, यानी 20% की और 10% की दो क्रमिक छूट देता है, ठीक है। यदि वस्तु 108 रुपये में प्राप्त होती है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? इसका मतलब क्या हुआ? आप तो इसे देखिए, 20% का मतलब 80, 10% का मतलब 90, 9 8 कितना हो गया? 72, यानी चीज़ कितने में पड़ गई? 72% पड़ गई। यानी 72% किसके बराबर है? 108 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर होगा? वही सवाल, सवाल बिल्कुल सिंपल है साहब। भाई बहुत 108 रुपये में वो चीज़ पड़ गई, तो 108 में अगर वो चीज़ पड़ गई, इसका मतलब होता है वो चीज़ कितने परसेंट में पड़ गई? 72% में पड़ गई। 28% की उसकी छूट है, तो इसका मतलब होता है, यहीं से आप सवाल निकाल सकते हैं। काटिए इसको भाई, काटिए इसको। 9 8 72 और 9 1 9 9 2 18, 4 3 12, 4 2 8, यहाँ से 50, 50 3 150, यानी 150 रुपये की वो चीज़ होगी आपकी। कितने की होगी? 150 रुपये में वो चीज़ मिल गया। आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। न जाने मूल्य कितना था, x का 80% का 90%, यही हुआ ना, ये कितने में आ गई चीज़? 108 रुपये। तो डायरेक्ट x निकल आएगा भाई, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 0 0 0 0, वही चीज़ है बस। आप 9 8 72, यहाँ 108 बटे 72, बात तो वही है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। सवालों को करने के तरीके आपको आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान से क्वेश्चन से। देखिए मैं, हम यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 54 नंबर के क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, है ना। अब आपके सामने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे 55 क्वेश्चन। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि धीरे धीरे हम क्वेश्चनों को, आपके पास छोटा सा एक जीवन है, छोटे से जीवन में आप चाहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं एक रोज़गार मिल जाए, मैं अपना रोज़गार प्राप्त कर लूँ। उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस में 55 क्वेश्चन पढ़ लिए, 5-10 क्वेश्चन और पढ़ा देंगे, उसके बाद और नए नए क्वेश्चन इसमें जोड़ते जाएंगे। भाई यहाँ पे ताला तो नहीं लगा रहे हम, बस नए नए क्वेश्चन को, नए नए टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते जा रहे हैं उनको जोड़ते जाएंगे, और आप एक एग्ज़ाम पास कर लोगे, जय जय भारत, ठीक है। बस यही करना है आप लोगों को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 20% के दो बट्टे क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो 20% के दो बट्टे, 20% के दो बट्टे का मतलब कितना होता है? 8 8 64, 64 का मतलब कितना होता है? 38% का बट्टा दे दिया, ठीक है साहब। तो इसका मतलब होता है चीज़ कितने में पड़ गई?
साहब यही सवाल है, ये 500 रुपये का एक बार चीज़ 80% में हो गई, दूसरी बार भी फिर 80% में हो गई, 2% के बट्टे पर, तो आटा उटी कितना हो गया, 64। 64 में 5 का गुणा करिए, आपको 5 चौक 20, 6 5 30 में 2 32, 320 रुपये की चीज़ आएगी। तो साहब ये सवाल हो गया। अब आप सोचो सर और भी करने का तरीका बता दो, कोई बात नहीं सर, 500 रुपये की चीज़ पर पहला बट्टा 20% का है, तो पहला बट्टा 20% का है मतलब 100 रुपये का है, 100 रुपये का मतलब चीज़ 400 में होगी। फिर दूसरा भी बट्टा कितना है 20% का, तो 400 को 20% कितना होता है 80 रुपये, तो 400 में से 80 गए कितना बचा 320 रुपये। ये भी आपका सवाल का उत्तर। अब आप सोचोगे सर एक और तरीका बताओ, तो ये बताओ कि 20% के दो बट्टे कितने होते हैं, 20% के दो बट्टे कितने होते हैं, 28%। 28% का मतलब 28% कितना, हाँ आटा उटी 64, 64 100 में से 64 गए कितना बचा 36। इसका मतलब होता है आपके पास जो है वो कितना है 36% का, यानी चीज़ कितने में पड़ गए आपके पास 64 में पड़ गए, यानी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 500 का 64%। तब भी आप सवाल जहाँ से कान पकड़ो वहाँ से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने आज यहाँ पे इस प्रकार के सवाल सीखे। अब कल के एक सेशन में हम लेके आएंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, सुंदर क्वेश्चन डिस्काउंट, अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो होता है इन सारे चीज़ों को एक साथ मिक्सअप करके चीज़ों को बनाया जाएगा, सवाल अपने आप अच्छे बनेंगे, लॉजिकली बनेंगे, सवाल रहेंगे सरल, पर उनको भाषाओं को आपको समझकर उन चीज़ों को करना रहेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं आज की तारीख में, 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 55 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आए हमें बिल्कुल बताइए। अच्छा एक क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूंगा यहाँ पे कि पिछले एक सवाल था जहाँ पे लाख वाले सवाल के बारे में बड़ा गहरा बताया, भाई एक मकान है वो 1 लाख में बेच दिया, ठीक, और एक और मकान को भी कोई भी चीज़ को 1 लाख में बेच दिया, ठीक। अब उसके बाद इस पर था उसको कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट, और इस पर था उसको 20% का लॉस। तो ये बताइए कि उसको टोटल लॉस कितना हुआ। तो एक बात बताइए, यहाँ पर हमको वो बात करते हैं बेसिक की, बेसिक करेंगे तो 1 लाख को मैं मानू 120 के बराबर, तो 100 निकालूंगा, तो यहाँ पर एक कीमत लिखूंगा, फिर यहाँ पे 1 लाख का 20% को इसको 80 मानूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 100, यहाँ पर भी एक कीमत आएगी, यहाँ पर भी एक कीमत आएगी, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखूंगा, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखूंगा, उसके बाद इनमें से इसको घटाऊंगा, तब मेरा उत्तर प्राप्त होगा, तो मेरी शाम हो जाएगी साहब, ठीक है। और उसने सारे उत्तर लाख में दिए, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा सौदा जो है पूरा सौदे में कितना परसेंट का घाटा होगा, 4% का घाटा होगा। पिछले बार का क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये है शायद 40 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 जो था पिछली बार का उसके बारे में आपको बताऊं मैं, तो 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि वो बोल रहा है कि एक वस्तु को या फिर दो चीज़ों को एक ही भाव में बेचा गया, 1 लाख में बेचा गया, तो बताइए एक पे 20% का लाभ और एक पे 20% का प्रॉफिट, तो पूरे सौदे में घाटा कितना हुआ ये रुपये में। देखिए जब भी ऐसी चीज़ होती है घाटा तो होता है, पर घाटे हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, तो लॉस परसेंट कितना होता है, 20 का वर्ग बटे 100, यानी 20 का वर्ग मतलब 400 बटे 100, यानी इसका मतलब होता है 4% का घाटा है। पर वो बोल रहा है कि 4% का जो घाटा है वो पूरे सौदे पर है, इसका मतलब होता है यहाँ पर अगर दोनों मिलाकर चीज़ अगर 100 रुपये में थी तो दोनों मिलाकर चीज़ मुझे 96 रुपये ही प्राप्त हुए, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब होता है 2 लाख जो है वो 96% के बराबर है, किसके बराबर, 96% के बराबर, तो 100% किसके बराबर है, तो आपके पास 4% किसके बराबर, क्योंकि उसने घाटा पूछा, घाटा 4% का, बस यही सवाल था, 4 × 8 और 8 × 8 × 8 × 16, यानी 1/12 लाख, क्योंकि जैसा सवाल की प्रवृत्ति थी वैसी बताया, ठीक है। तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आए फिर बताइएगा। चीज़ें धीरे धीरे चल रही है, थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से और लॉकडाउन खुलने के बाद, तो चीज़ें आप टेंशन मत लीजिए, चीज़ें चल रही है, परीक्षा के हिसाब से चल रही है, जब कोई नई एग्ज़ाम आएगी आपके सामने तो उस समय उसके पेपर का प्रैक्टिस सेट भी हम लगवाएंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच, बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।